हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं कुक विद मी 24x7 चैनल को। आज मैं आपके साथ और एक मजेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और वो है मुर्ग खिचड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में उतना ही इजी। तो चलिए झटपट बना लेते हैं आज की रेसिपी मुर्ग खिचड़ी। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। ऐड करना है नमक स्वादानुसार और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एक बाउल में मैंने यहाँ पे 1 कप चावल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप मसूर डाल दिया है। अब इसको पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और पानी में सोख करके रख देंगे। सोख करने के बाद मैंने पानी को निकाल लिया है। अब प्रेशर कुकर में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करना है। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 सूखे हुए लाल मिर्च, दालचीनी, इलायची और लौंग। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद इसमें ऐड करना है 2 कटे हुए प्याज। प्याज को थोड़ा सा तेल में भून लेना है। फिर इसमें ऐड करना है 2 कटा हुआ टमाटर। इसमें मिलाएंगे 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। टमाटर और प्याज को मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेना है। मसाला भून जाने के बाद ऐड करना है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सबको एक साथ मिला लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किए हुए चिकन को। मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद थोड़ा सा पानी मिलाना है और चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है। चिकन अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसमें चावल और दाल को ऐड करेंगे। चावल और दाल को मसाले के साथ भून लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 4 कप पानी। इसी वक्त इसमें ऐड कर लेना है स्वाद अनुसार नमक और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। 2 सीटी आने तक गैस को ऑफ कर देना है और प्रेशर रिलीज होने के बाद देखिए हमारा मुर्ग खिचड़ी तैयार है परोसने के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए रेसिपी।